हेलो एंड वेलकम गाइस अगेन। देखिए, इस वीडियो में समझने लायक कुछ खास है नहीं, बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है। ये एक एग्जांपल देखिए, ये क्या है? दिस इज डेटा ऑफ कोर्स, बट ये क्या है? दिस इज ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में कोई भी मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए ये दो चीजें होना जरूरी है। अभी ऑपरेटर्स तो कई तरह के होते हैं, जैसे एडिशन, सब्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, मॉड्यूलस, ग्रेटर देन, लेस देन, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट वी आर ह्यूमंस, हमें चीजों को सिंप्लीफाई करने की आदत है। हमने इसे भी सिंप्लीफाई करने के लिए इन्हें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आपको देखकर भी समझ रहा होगा कि कौन से ऑपरेटर किस एक ग्रुप में आएंगे। जैसे ये एक सिमिलर टाइप के कैटेगरी के ऑपरेटर लगते हैं, वैसे ही ये किसी और कैटेगरी के ऑपरेटर लगते हैं। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज में हमने ऑपरेटर्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि है यूनरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो गाइस, क्योंकि हमें सी लैंग्वेज काफी डीप में पढ़ना है, तो यह सब ऑपरेटर्स इस एक सिंगल वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे। एक एक सिंगल टॉपिक पर एक एक सेपरेट वीडियो आएगा, ताकि आपको भी ये अच्छे समझ में आए। और इन्हें समझना जरूरी भी है, बिकॉज इससे आपके सी लैंग्वेज का एक बेस बनेगा। बेस अगर मजबूत होगा तो आपके सी लैंग्वेज की बिल्डिंग को जैसे भी की खुदाई भी नहीं कर पाएगी। भाई 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 भाई, ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही। एक्चुअली फ्लो में इधर उधर हो जाता है। एनीवेज गाइस, ऑपरेटर्स एंड होते होते आप सी लैंग्वेज 20% खत्म कर चुके होंगे, या फिर इवन ज्यादा भी बोल सकते हैं कि भाई बड़ा, आज तो आपने कुछ भी नहीं सिखाया। ऐसा नहीं होगा गणपत, आज मैं गुड बाय नहीं कहूंगा। ये रही नेक्स्ट वीडियो यूनिटी ऑपरेटर की, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो अभी के अभी स्टार्ट करो राइट नाउ। और जो वीडियो एंड होने का इंतजार कर रहा है वो प्लीज लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको इसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।